देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। काशीपुर में आज 22 वर्षीय विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां सूचना मिलने पर मौका ही वारदात पर मृतक के मायके वालों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लेते हुए हालात को काबू किया। आपको बता दें कि कालागढ़ की रहने वाली काजल ने लक्ष्मीपुर पट्टी के रहने वाले रवि ठाकुर नामक युवक से 1.5 साल पूर्व अगस्त 2016 में प्रेम विवाह किया था। मृतक का परिवार हाल में नगर के मोहल्ला कवि नगर में किराए के मकान में रहता है। मृतक काजल की मां इंदुमाला के मुताबिक काजल का सबसे छोटा भाई 9 साल का कृष्णा अक्सर अपनी बहन से मिलने आता था। कल काजल ने छोटे भाई कृष्णा से अपनी मां इंदुमाला से मिलने की बात कही थी, जिसके बाद आज उसकी मां से मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। काजल के बड़े भाई पंकज के मुताबिक काजल की मौत के बाद भी काजल के ससुरालियों में से किसी ने भी उन्हें किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी। काजल की मौत की सूचना अन्य किसी रिश्तेदार ने ही दी है। मृतक के देवर के मुताबिक उसका सुबह पेपर था, वह सोच करने ऊपर गया। जब वह सोच करके नीचे आया तो वहाँ कमरे में झांकने पर उसका भाई अकेला सोया हुआ था। वहीं जब उसने दूसरे कमरे में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी भाभी काजल फांसी पर झूली हुई थी। तका के मायके वालों के मुताबिक काजल ने फांसी नहीं लगाई, बल्कि उनका आरोप है कि उसे मारकर फांसी पर लटकाया गया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से रफीक खान की रिपोर्ट। लेकिन मैंने सुना कोई लड़का धमकी देने आया घर पे मेरी बहन को। कौन था वो? दीपू चौहान नाम का लड़का था, धमकी देने आया घर को मेरी बहन को। उसे धमकी दी मेरी बहन, डर के मारे भाग गई कि मैं उसे कुछ कहूंगा। उसके बाद जब मेरे पापा पहुंचे उसे बुलाने के लिए, मेरे बहन को भी उन्होंने मना कर दिया, पापा को भी भगा दिया, सबको भगा दिया कि तुम जाओ, ये रवि जो लड़का है लेके भाग गया पता नहीं कहां मेरी बहन को। तो उसके बाद ये एक पता नहीं कितने दिनों बाद 15-20 दिन बाद आए यहाँ पे कोतवाली में, तो दरोगा साहब ने सब कह सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, 7 दिन की हो गई है, लेकिन 2 साल तक कोई ने परेशान नहीं करेगा, न लड़की की तरफ से न लड़के की तरफ से। 2 साल में ये पाया, जबकि मैंने इतने तक तोड़ दिया था कि मैं भाग गई, लेकिन अब खुश रहेगी जैसे भी रहेगी। मैं आया भी नहीं जब से 2 साल से, एक ही बार आया हूँ बस। अब क्या आपको सोचना कैसे? अब आपने देखा तो फोन करा हमको, हमारे रिलेशन के, हमारे जान पहचान के बाहर से बंदे ने ढकियों गुलाबों से फोन कराया कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका है, भीड़ भाड़ देख के। अच्छा, कि ऐसा हो चुका है, तुम भाग भाग के आ रहे घर से सो के उठ के, और रात भर से ये रोका है इनका घर का, कोई हमारे घर पे नहीं पहुंचा, ना किसी का फोन पहुंचा, ना कोई कुछ पहुंचा, परिवार से किसी का फोन नहीं पहुंचा, इनके परिवार से कोई फोन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। सुविधा पेपर, आज पेपर था मेरा, ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं लाइटिंग करने के लिए जब ऊपर उठा तो मैं ऊपर गया, सबसे पहले लाइटिंग करके फिर मैं नीचे को आया, जब मैंने हाथ धो के नीचे को अंदर कमरे में को गया तो क्या कहते हैं, मैंने भाभी, मैंने क्या भाभी तो यहाँ पे है नहीं, भैया लेट रहा बस खाली, भैया लेट रहा, भाभी कहाँ है, फिर मैं ऊपर को आया, यहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरा भाभी कहाँ है, मम्मी कह रही भाभी कहाँ है, देख नीचे होंगे, मैंने नीचे ना है तो कहाँ है, देखता ऊपर ऊपर तो देख कहीं होंगी, देख तो फिर मैं ऊपर को एकदम से गया, फिर मैं देख पाया तो ऊपर उन्होंने वो फांसे लटकाई हुई थी, मैंने तभी मेरी चीख निकल गई ऊपर, तो फिर मैं लगा तो मम्मी क्या हो गई, उन्होंने फांसे लगा ली। 22 वर्षीय युवती है जिसको अभी लगभग 1.5 वर्ष इसकी शादी को हुआ था, अभी फांसी लगाने से इसकी डेथ हुई है, अभी प्राइमा फेसी हैंगिंग दिख रही है मौके पर, पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा, बाकी इस पर अभी तहरीर वगैरह आती है तो इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम करके उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और परिवार में जो भी इसके लिए दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।